नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत विरोधी जिहादियों का अड्डा बना कराची। दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री के नाम से कुख्यात आतंकवाद का कराची शहर भारत विरोधी चरमपंथियों का अड्डा बन गया है। इतना ही नहीं, इन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी हासिल है। थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने पाकिस्तान स्टोकिंग द फायर इन कराची नाम से जारी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कराची के संसाधनों पर कब्जे की होड़ में रहते हैं। ये गुट कई मदरसे और धर्मार्थ संस्थाएं चलाते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का इन पर कोई जोर नहीं है। रिपोर्ट में कई नेताओं, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के हवाले से कहा गया है कि 2013 में पाक रेंजर्स के ऑपरेशन से पहले कई कट्टरपंथी शहर छोड़कर भाग खड़े हुए थे, लेकिन अब वो दोबारा कराची में जुट रहे हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो कराची में ये आतंकवादी संगठन सक्रिय हो जाते हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लश्कर ए तैयबा, मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद और शिया विरोधी चरमपंथी संगठन लश्कर ए झांगवी के कराची के मदरसों से करीबी रिश्ते हैं। इन मदरसों को देश और विदेश से काफी फंडिंग होती है, इसी फंडिंग से आतंकवाद फल फूल रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कराची और आसपास के इलाकों में जिहाद को बढ़ावा देने वाले मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये मदरसे बेरोजगार नौजवानों को भड़काकर आतंकी बनाते हैं। हालांकि आतंकी संगठनों में सिर्फ गरीब और कम पढ़े लिखे नौजवान शामिल हों जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद को भी पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है। सईद भी धर्मार्थ संगठनों की आड़ में आतंकवादी तैयार कर कश्मीर में अस्थिरता और असंतोष फैला रहा है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा, यूपी में भाजपा की सरकार बनने पर गोहत्या पर लगाएंगे रोक। मायावती ने फतेहपुर रैली में कहा, उत्तर प्रदेश में भय और आतंकवाद का माहौल है। औरैया में डिंपल यादव बोली, झगड़े में आपके भैया के पास पार्टी की चाबी और भाभी है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी माल्या जैसे चोरों को पैसा देते हैं, हम गरीब और किसानों को देंगे। भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल ने कहा, व्यापम मामले में जिन्होंने रिश्वत ली उन्हें नहीं मिली सजा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।